Hi students, this is Planet Institute and we will provide you online free coaching. ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं. मैं एप्टीट्यूड से स्टार्ट करता हूँ और एप्टीट्यूड में जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा परसेंटेज का. तो परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि परसेंटेज होता क्या है और हम इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका जो परसेंटेज का मीनिंग होता है, मतलब होता है, वो होता है पर हंड्रेड. पर हंड्रेड, पर हंड्रेड मतलब कि मान लिया अगर मेरे पास है 20%. मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ. 20%, 20% का मतलब हुआ है कि 100 में से 20 आउट ऑफ 100, 100 में से 20. तो इसका अगर मैं फ्रैक्शन लेता हूँ, फ्रैक्शन में 20 से हम मैं डिवाइड कर दूँ इसको, तो ये आएगा 1/5, यानी 1/5. तो फ्रैक्शन में इसको 20% को 1/5 लिखेंगे. और 5, इसका मतलब ये हुआ कि 5 का अगर मैं 20% निकालूँ तो ये 1 के इक्वल आएगा. जो न्यूमरेटर में नंबर होगा वो उतने ही परसेंट के इक्वल होगा. तो जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, 25% अगर मैं लेता हूँ तो ये होगा 20/100. 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1/4. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 4 है और 4 का मैं 25% निकालूं तो जो न्यूमरेटर में नंबर आएगा 1, वो 25% के इक्वल होगा. तो इसी इसका अगर मैं रिवर्स भी लेता हूँ, रिवर्स में क्या होगा कि अगर मेरे पास 1/5 है कहीं पे, 1/5 है, इसको मैं परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो जो आएगा 5 × 2 = 10, ये आ जाएगा 20%. यानी कि 1/5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें 20% आएगा. तो फ्रैक्शन 1/5 किसके बराबर हुआ, 20% के बराबर हुआ. अब ये जो परसेंटेज है इसका हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि एसएससी वगैरह जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, बैंकिंग एसएससी वगैरह में, तो इसमें कुछ टॉपिक आएंगे एप्टीट्यूड में आपके, जैसे कि परसेंटेज का अलग से एक चैप्टर होगा. इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में हम परसेंटेज का यूज़ करेंगे. एक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे यूज़ होगा. इसके अलावा जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में भी क्वेश्चंस आएंगे परसेंटेज से रिलेटेड. और इसके अलावा जो DI होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, तो ये यहाँ पे इनका यूज़ होगा एप्टीट्यूड में, हम पढ़ेंगे आगे एक एक चैप्टर करके. तो परसेंटेज का पहले देखते हैं एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इससे. जैसे कि कोई क्वेश्चन है, मान लिया यही है 20% ऑफ 30, मुझे निकालना है 30 का 20% कितना होगा. तो 30 का 20% कैसे निकालेंगे, इसका अगर मैं फ्रैक्शन लिखूं, फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे इसको, 20/100 × 30. तो अभी फ्रैक्शन निकाला था, 20 से इसको डिवाइड किया, ये कितना आएगा, 5. तो 1/5, ये 20% के इक्वल होता है, इंटू 30, तो ये आएगा मेरा 6 के इक्वल हो जाएगा. इसका अगर रिवर्स लिया जाए, मान लिया ये 20% ऑफ 30 था, अब मेरे पास है 30% ऑफ
20, क्या ये भी इसके इक्वल होगा क्या? देखते हैं कितना आता है, 30% ऑफ 20 निकालेंगे, 30% को लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 के इक्वल। तो इसको चाहे 20% ऑफ 30 हो या 30% ऑफ 20, दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल आएगी। आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट और समझते हैं जो कि क्या है, एक बहुत सारे वर्ड आते हैं इंक्रीमेंट का, जैसे कि आता है कहीं भी 20% इंक्रीमेंट हो गया, 30% इंक्रीमेंट हो गया, 25% इंक्रीमेंट हो गया। तो इंक्रीमेंट या इंक्रीज, कोई भी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और एक वर्ड आता है डिक्रीमेंट या डिक्रीज। अब ये कैसे निकालेंगे, मान लिया आ गया मेरे पास 30% का इंक्रीमेंट हुआ, 30% का क्या हुआ इंक्रीमेंट, और दूसरा आया है 30% का डिक्रीमेंट हुआ या डिक्रीज हुआ। कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर में या किसी भी वैल्यू में 30% का इंक्रीमेंट हुआ या 30% का डिक्रीमेंट हुआ, तो कैसे निकालेंगे, पहले इंक्रीमेंट देखते हैं। 30% इंक्रीज हुआ तो इसको पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो ये आएगा 3/10। अब देखिएगा यहाँ पे आगे सभी क्वेश्चंस में इसी तरीके से यूज़ होगा। मैं मान लेता हूँ मेरा जो नंबर था या मेरी जो वैल्यू थी वो 10 थी, ठीक है, मेरी जो नंबर या वैल्यू थी वो 10 थी, 10 थी, 10 से उसका इंक्रीमेंट हुआ है 30% का, तो 10 का 30% कितना होगा, 3 के इक्वल होगा। मैं मान लेता हूँ कि पहले वैल्यू क्या थी, 10 थी, अब इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 30% का, यानी 3 का इंक्रीमेंट हो गया, तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा 10 में, 10 में 3 का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया, मेरी वैल्यू हो गई 13। ये अगर समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन इसी पे बेसिस होंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले। यहाँ पे देखते हैं 30% को मैंने क्या लिखा, 3/10, फ्रैक्शन में 3/10 आएगा। और यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या माना, जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो मैं मान लेता हूँ मेरा वही नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, जो पहले वैल्यू होती है वही है। तो 10 मेरी वैल्यू है, 10 मेरा नंबर है, 10 से कितना हो गया ये, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो गया 30% का, 10 का 30% कितना होगा, वो 3 के इक्वल होगा। तो मेरी पहले वैल्यू थी वो 10 थी, अब कितनी हो गई, वो 10 से 7 हो गई, 10 में से 3 गए तो माइनस कर देंगे तो कितनी हो गई, 7 हो गई। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि पहले 30% का इंक्रीमेंट तो 10 से कितना हो गया, 13, 30% का अगर डिक्रीमेंट होता है तो 10 से कितना हो गया, 7, ठीक है। तो इस पे बेसिस हम क्वेश्चन करते हैं, आई होप कि ये समझ में आया होगा। मैं पहले कुछ फ्रैक्शंस हैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रैक्शंस हैं जैसे कि अगर मेरा 1 होता है तो 1 किसके इक्वल होगा, 100% के इक्वल होगा, ठीक है। 1 जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन को अगर इसे फ्रैक्शन में लिखें 1/1, यानी 1 ही होगा, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, वो 100% के इक्वल आएगा। 1/2 कहीं पे आता है, 1/2 वो 50% के इक्वल हो जाएगा। 1/3 आता है, 33 इज 1/3%। 1/4 25% के इक्वल आ जाएगा। 1/5 20% के इक्वल होगा। 1/6 होगा मेरा, 16 इज 2/3% के इक्वल होगा। 1/7 14 इज 2 बाय
7% के इक्वल होगा, 1/8, 12 इज 1/2% के इक्वल होगा, ऐसे ही 1/9, 11 इज 1/9% के इक्वल होगा, 1/10, 10% के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1/11 अगर लेंगे तो 9 इज 1/11% के इक्वल हो जाएगा। तो ये रेशोज़ हैं, फ्रैक्शंस हैं, ये प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे, या आप एक बार इनको देख लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम जैसे जितनी भी प्रैक्टिस होगी उसी हिसाब से ये आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ 16 इज 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, देन रिजल्ट इज 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इसमें परसेंटेज दिया है 16 इज 2/3%, किसी नंबर का क्वेश्चन है, किसी नंबर का 16 इज 2/3%, इसमें ऐड करने पर जो नंबर है वो मेरा हो जाता है 4956, मेरा नंबर 4956 हो जाता है। तो नंबर क्या होगा, नंबर बताइएगा, ये क्वेश्चन है। अब पहले तो क्या करना होगा, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, जो फ्रैक्शन मैं अभी बता रहा था वही उसी में चेंज करना है फ्रैक्शन में। पहले इसको देखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 16, 48 प्लस 2 50, इसको लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाय 3%, और जब परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 3 × 100, 50 से इसे डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 3 × 2, 6 के इक्वल आ जाएगा, यानी 16 इज 2/3% किसके इक्वल होगा, 1/6 के। यहाँ पे देखिएगा, 1/6 मैंने पहले लिखा है, 16 इज 2/3%, तो डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, जहाँ भी 16 इज 2/3% होगा उसको डायरेक्टली 1/6 यूज़ करेंगे, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 1/6 यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिएगा, 16 इज 2/3% किसके इक्वल होगा, मेरा 1/6 के। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरा नंबर 6 है, हम एक मेथड पढ़ते हैं, हम x मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मेरा जो नंबर है वो 6 है, 6 का अगर मैं 16 इज 2/3% निकालूँगा तो वो 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, मेरा ओरिजिनल नंबर 6 है, 6 में 16 इज 2/3% यानी कि 1, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 7 के इक्वल, लेकिन 7 के इक्वल आएगा, 7 किसके इक्वल दिया है, 4956 के। ये इसका मतलब ये हुआ, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी, 4956, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4956 डिवाइडेड बाय 7, इसको डिवाइड कर देंगे, 7 × 7, 4908, इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 708 है तो मेरा जो नंबर है वो 6 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 708 से, एक यूनिट की वैल्यू, 1 की वैल्यू 708 के बराबर है, तो 6 मेरा नंबर क्या है, 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 8 कितना होगा, 48, 6 × 7 42, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4248 के इक्वल आ जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा, दोबारा देख लेते हैं एक बार इसको। क्वेश्चन में बोला उसने, कोई नंबर है उसका 16 इज 2/3% उसमें ऐड कर दिया जाता है,
किसी नंबर का 16 इज 2/3% उसमें ऐड कर दिया जाता है तो नंबर 4956 हो जाता है। तो नंबर बताएं, नंबर क्या होगा? क्या किया है मैंने, 16 इज 2/3 को परसेंटेज में रेशो में लिखा, रेशो में आया 1/6 और मैंने अपना नंबर मान लिया कि मेरा नंबर 6 है, 6 का 16 इज 2/3% 1 होगा, 1 इसमें ऐड किया तो 7 आया, तो 7 दिया है 4956 के, तो 1 किसके इक्वल होगा, डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो 708 के, और 1708 के इक्वल है तो 6 किसके इक्वल होगा, 6 × 708 4248 के इक्वल, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, इफ़ 16 इज 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फॉर फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कि कोई नंबर है उसमें उसका 16 × 2/3% घटाने पर, वहां पे पहले क्या किया था, उसमें ऐड किया जा रहा था, इस क्वेश्चन में घटाया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, तो किसी नंबर का 16 × 2/3% उसमें से घटाने पर जो नंबर है वो हो जाता है मेरा 5670, 5670 हो जाता है। अभी हमने निकाला 16 × 2/3% किसके इक्वल होता है, 1/6 के, 1/6 के, इसने कहा, अब मैंने मान लिया कि मेरा नंबर 6 है, जो डिनोमिनेटर में होता है वही नंबर माना जाता है, तो वही मान लेते हैं मेरा नंबर 6 है, 6 में से इसका 16 × 2/3% यानी 1 माइनस करने पर, इसमें से माइनस 1 किया तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, तो 5 किसके इक्वल दिया है इसने, 5 दिया है 5670 के, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5670, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5670 डिवाइड बाय 5, ये आएगा 11, डिवाइड करेंगे 1134, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1134, मेरी जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है, 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी × 1134, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 4 24, 6 × 3 18, 0, 6 × 1 8 और 6, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, तो यही आंसर होगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। पहले वाले में क्या था, उसमें ऐड किया जा रहा था, इसमें माइनस किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 157 इज 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। देखिएगा, क्वेश्चन है, किसी नंबर में कोई नंबर है उसमें 64 जोड़ने पर, 64 ऐड करने पर जो नंबर है वो खुद का अपने आप का 157 इज 1/7% हो जाता है, तो नंबर बताना है। इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में जैसे हम करते हैं कि मान लिया नंबर क्या है, लेट नंबर इज एक्स, लेट नंबर इज एक्स, एक्स का x में मैंने ऐड किया 64, वो किसके इक्वल होगा, x के 157 इज 1/7% के इक्वल हो जाएगा। तो हमें बेसिकली x की वैल्यू निकालनी होती है, तो कैसे करेंगे, x प्लस 64, इसको सोल्व करेंगे, x इसका अगर मैं रेशो में लूँ, रेशो में आएगा ये 11/7, तो सोल्व करते जाएंगे, सोल्व करेंगे कितना आएगा ये 7x प्लस
64 इंटू 7 और ये आएगा 11x, ये आ जाएगा 64 इंटू 7 इक्वल टू 4x, और 4 से काट देंगे 16x इक्वल टू 16 इंटू 7 12। तो ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। एक दूसरा मेथड है जो फ्रैक्शन मेथड, जिससे हम करते आ रहे हैं वही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, क्वेश्चन इससे भी सोल्व हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे। पहले तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 157 इंटू 7 प्लस 1, ये होगा मेरा 1100 डिवाइड बाय 7%। और परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड कर दिया, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, तो कितना आ जाएगा ये 11/7। तो 157 इज़ 1/7% को हम लिखेंगे 11/7। तो डायरेक्टली यूज़ करेंगे इसको, डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, ये है 11/7। अब देखिएगा, मान लिया कि मेरा नंबर क्या है, 7 है। 7 का 157 इज़ 1/7% कितना होगा, वो 11 के इक्वल होगा। कितना होगा, 11 के इक्वल होगा। 7 में मैंने कितना ऐड किया कि 11 हो गया, यहाँ पे मैंने ऐड किया 4 का, यानी 7 में मैं अगर 4 ऐड करता हूँ वो 11 आता है, लेकिन उसने ओरिजिनली बोला है कि 64 ऐड किया है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 64। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 64 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ गया, 16। जब एक यूनिट की वैल्यू 16 है और मेरा नंबर कितना है, 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 16, तो ये आ जाएगा 1112। यही मेरा आंसर होगा। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कैसे हुआ है। 7 का 157 इज़ 1/7% 11 होता है, 7 में 4 ऐड किया तो 11 आया, लेकिन 4 के इसके 64 के इक्वल दिया है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 64, 1 यूनिट की वैल्यू 16, और जब 1 यूनिट की वैल्यू 16 है तो 7 यूनिट की वैल्यू, मेरा नंबर जो है 7 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 16 1112। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 16 इज एडिड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 116 इज 2/3% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन सेम टाइप का है जो अभी किया हमने। क्वेश्चन में बोला है किसी नंबर में 16 ऐड करने पर, किसी नंबर में 16 ऐड करने पर वो नंबर जो है अपने आप का कितना हो जाता है, 116 इज 2/3% हो जाता है। नंबर हमें बताना है कि नंबर क्या होगा। अब देखिएगा, पहले हम क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 116 इज 2/3% को क्या लिखेंगे हम, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कैसे, मैं इसको लिख लेता हूँ 100 प्लस 16 इज 2/3%। ये भी परसेंट है और ये भी परसेंट है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, 100 प्लस 16 इज 2/3%। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो 100% को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1 प्लस 1/1, 1 ही होता है, 16 इज 2/3% कितना होता है, 1/6 के, तो ये 1/6 आ गया, तो फ्रैक्शन में आ गया ये 6 इंटू 1, 6 प्लस 1 7,
7/6 के, यानी कि जहाँ भी 116 इज 2/3% होगा मैं उसको 7/6 डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिखूँगा 7/6। अब देखिएगा 6 में मैंने कितना ऐड किया कि वो 7 हो गया, यहाँ पे मैंने ऐड किया 1, यानी 6 का 116 से 2/3% कितना होगा, 7 के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें 6 में मैंने 1 ऐड किया तो 7 आया, लेकिन 1 किसके इक्वल दिया, उसने ओरिजिनली कितना ऐड किया है 16, तो एक यूनिट 16 के इक्वल है, तो मेरा जो नंबर है वो 6 है, तो 6 भी कितना मल्टीपल हो जाएगा, 16 का मल्टीपल हो जाएगा, एक यूनिट 16 के बराबर है, 6 यूनिट कितने के बराबर होगी, 96 के बराबर होगी। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। दूसरा मेथड, ये आप दूसरा मेथड वही जो हमने एक्स मान के किया था उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक्स मान लेते हैं, मान लिया सेकंड मेथड से अगर आप करना चाहें, एक्स मान लेते हैं कि मेरा नंबर एक्स है, एक्स में मैंने 16 ऐड किया तो मेरा नंबर कितना हो गया, एक्स का 116 इज 2/3% हो गया। यही बोला है उसने कि अगर मैं x में 16 ऐड करूं तो वो अपने आप का 116 से ही 2/3% हो जाता है। तो x प्लस 1 x प्लस 16 इक्वल टू x इनटू, इसको क्या लिखा, 7/6 लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन में, 7/6 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 6x प्लस 16 इंटू 6 इक्वल टू 7x, 6x उधर जाके माइनस का, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 6 96। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, उस मेथड से भी, लेकिन बेटर वही होगा फ्रैक्शन मेथड, तो इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है हमारा, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 इज 1/2% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। क्वेश्चन है मेरा थोड़ा अलग टाइप का है इससे जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन कहता है कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की ओपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, और जो एवरी एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक एंगल क्या कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इसका जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, अगर ये लेंथ है मेरी, ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की और ये ब्रेड्थ है, तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है L इंटू बी के इक्वल होता है, L इंटू बी के इक्वल होता है। उसने कहा जो लेंथ है उसमें इंक्रीमेंट हो गया 37 इज 1/2% का, इंक्रीमेंट हुआ है 37 इज 1/2% का, और जो ब्रेड्थ है बी है उसमें 20% का क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। ये इंक्रीमेंट में साइन लगा रहा हूँ अप ऊपर की ओर, और जो डिक्रीमेंट है नीचे की ओर। ठीक है, समझ जाइएगा कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 1/8 मेरा 12 इज 1/2% के इक्वल है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये कितना होगा मेरा, ये तो हो जाएगा 3/8 और ये हो जाएगा 37 इज 1/2%, यानी 37 इज 1/2% किसके इक्वल हुआ मेरा, 3/8 के इक्वल। ये समझ में आया होगा कि इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया है। चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं 37
इंटू टू कितना होगा, 74 प्लस, निकाल लेते हैं 37 का परसेंटेज में हम निकालेंगे, 37 इंटू टू 74 प्लस 1, ये आएगा 75 डिवाइड बाय 2, और परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 25 से, इसे डिवाइड कर दीजिएगा ऊपर नीचे, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 4, यानी ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 8, 4 इंटू टू 8 के इक्वल होगा। यानी कि मेरा क्या हुआ, जो 37 इज 1/2% है वो किसके इक्वल हुआ, 3/8 के इक्वल होगा। अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसको, जहाँ भी 37 इज 1/2% आएगा वो 3/8 के इक्वल होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरी लेंथ थी कि लेंथ में इतने का इंक्रीमेंट, मैं मान लेता हूँ मेरी जो लेंथ थी वो 8 थी, मेरी जो लेंथ थी वो 8 थी, 8 में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 3 का इंक्रीमेंट हुआ। 37 इज 1/2%, 8 का 3 होता है, इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 3 का हुआ। यानी पहले 8 थी, 8 से 3 का इंक्रीमेंट होके वो हो गई 11, 8 में 3 ऐड करेंगे यहाँ प्लस 3 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 11 के इक्वल हो गया। ब्रेड्थ में क्या हुआ, जो चौड़ाई थी उसकी 20% का क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। यहाँ इंक्रीमेंट हुआ था, यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ, तो डिक्रीमेंट हुआ इसको क्या, 20% को क्या लिखते हैं हम डायरेक्टली, 1/5, 1/5। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो पहले ब्रेड थी इसकी चौड़ाई थी वो 5 थी, 5 थी, 5 से कितने का डिक्रीमेंट हुआ इसमें, 1 का, तो 1 का डिक्रीमेंट हो गए, 5 थी पहले, अब कितनी हो गई, 4 हो गई। यानी 5 में 1 माइनस 1 करेंगे, माइनस 1 करके कितनी आएगी, ये 4 हो जाएगी। अब देखिएगा एरिया निकालने के क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 5, L इंटू बी करेंगे, L इंटू बी कितना होता है, एरिया होता है, L इंटू बी एरिया, 8 इंटू 5, यानी पहले कितना था एरिया, 40 था, अब एरिया कितना हो गया मेरा, ये हो गया 44, पहले एरिया था 40, अब हो गया 44, तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ है, 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, 4 कितने पे, 40 पे, पहले 40 था तो 40 पे 4 का इंक्रीमेंट होगा, ये रेशो में आ गया, और रेशो को जो परसेंटेज में चेंज करते हैं तो कितने से, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1/10, और 1/10 किसके बराबर होता है, 10% के, तो इसमें 10% का क्या होगा, इंक्रीमेंट हो गया। तो एरिया में जो परसेंटेज चेंज आया है वो क्या आया है, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। आगे की ओर चलते हैं, इसी क्वेश्चन को एक और रूल है, वो फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि फॉर्मूला क्या होता है अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। इस रूल को बोलते हैं ए प्लस बी रूल, देख लीजिएगा ए प्लस बी रूल क्या है। मान लिया 2% हैं, जैसे कि यही क्वेश्चन था कि लेंथ और ब्रेड्थ थी, 2% थी इसमें, उसमें एक में डिक्रीमेंट हो रहा था, एक में इंक्रीमेंट, या दोनों में ही इंक्रीमेंट हो या दोनों में ही डिक्रीमेंट हो, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है और वो परसेंटेज ही पूछता है लास्ट में भी, तो क्या करते हैं ए प्लस बी रूल अप्लाई करते हैं हम, ए प्लस बी रूल। तो जो परसेंटेज चेंज होगा, जो वैल्यू आएगी वो आएगी, मान लिया ए है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100, तो ये टोटल, ये सभी परसेंटेज में लिखेंगे हम, जो भी परसेंटेज दी होगी ये टोटल परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी परसेंटेज में होगा। अब देखिएगा उसने कहा जो लेंथ है 37 इज 1/2% इंक्रीज हो गई, यानी कि ए की जो वैल्यू थी वो मान ली हमने 37 इज 1 बाय
2%, इसका इंक्रीमेंट हुआ, और जो बी था 20% का डिक्रीमेंट। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पुट कीजिएगा ए की वैल्यू, हमने अगर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, प्लस के साथ लिखेंगे, और अगर वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो यही इसमें ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में जहाँ भी अप्लाई करेंगे, अगर इंक्रीमेंट हो रहा तो पॉजिटिव साइन के साथ, और अगर डिक्रीमेंट हो रहा तो निगेटिव साइन के साथ। तो इसको लिखेंगे 37 इज 1/2%, यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ तो इसको माइनस के साथ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 20% यहाँ पे देखिएगा, ये प्लस का है, 37 इज 1/2% इंटू माइनस 20% डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे माइनस कीजिएगा, 37 इज 1/2% में से 20 गए, कितने बचे, 17 इज 1/2%। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस का आएगा, माइनस का 7 इज 1/2%। 17 में से 7 इज 1/2% माइनस करेंगे कितना आएगा, 10% का इंक्रीमेंट, यानी प्लस में आएगा, प्लस का मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये भी आंसर है, इस फॉर्मूले से भी आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। क्वेश्चन कहता है कि कोई वर्ग है, स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड्स है वो 40% इंक्रीज हो जाती है, स्क्वायर की जो साइड्स है वो 40% इंक्रीज हो जाती है, तो उसके एरिया में कितना चेंज आएगा। देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, पहले तो स्क्वायर देखते हैं क्या होता है। स्क्वायर जो होता है उसकी जो साइड्स हैं सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और प्रत्येक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और जो साइड्स होंगी वो सभी इक्वल होंगी, और जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वो होगा ए इंटू ए, यानी के ए स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा ए में कितना चेंज आया है, ए में जो चेंज आया है 40% का इंक्रीमेंट आया है, जो मेरा ए था उसमें 40% बढ़ गया है। अब इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 100, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/5। अब यहाँ पे देखिएगा 1/5, 1/5 20% के इक्वल होगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, ये कितना हो गया 2/5, 2/5, 20 × 2 कितना हो गया 40%। तो 40% किसके इक्वल हो गया, 2/5 के इक्वल हो गया। अब देखिएगा, अगर मैं मान लूँ कि मेरी जो लेंथ थी उसकी साइड थी वो 5 थी, 5 थी, पहले 5 थी, उसमें 2 का इंक्रीमेंट हो गया, 40% का इंक्रीमेंट हो गया 2 का, तो 5 से कितनी हो गई, 7 हो गई। जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, तो अगर इंक्रीमेंट होगा तो ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएगी, और अगर डिक्रीमेंट होगा तो ऊपर वाली नीचे वाली में से माइनस हो जाएगी।
तो 5 थी पहले, अब कितनी हो गई, 7 हो गई। अब यहाँ पे क्या है, एरिया ए इंटू ए, तो दो बार लिखेंगे इसको, ए इंटू ए है, दो बार है, तो 5 से कितनी हो गई, 7 हो गई। अब क्या होगा कि मल्टीप्लाई ए इंटू ए, एरिया होता है, तो ए इंटू ए, ए इंटू ए 5 × 5 25, कितना हो गया, पहले 25 था, 25 से अब कितना हो गया, 49 हो गया। तो इसमें कितने का चेंज आया है, चेंज आया है 24 का, 24 इंक्रीमेंट हो गया, कितने पे हुआ है, 25 पे, यानी 24 डिवाइडेड बाय 25। और ये रेशो है, रेशो को जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आएगा 24 इंटू 4 कितना आएगा, 96%, 96%। तो यही मेरा आंसर होगा, 96%। इसी क्वेश्चन को ए बी, ए और बी रूल जो मैंने अभी बताया, ए प्लस बी रूल, उससे भी हम कर सकते हैं सोल्व। उससे देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ए प्लस बी रूल, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100, ये ए प्लस बी रूल है। इसमें जो भी वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही, डिक्रीज हो रही, तो माइनस में लेंगे, और अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस में लेंगे। यहाँ पे दोनों ही वैल्यू सेम है, यानी ए इक्वल टू बी है, और वो कितनी है, 40% के इक्वल है। तो इसमें पुट करेंगे, ए बी की जगह भी ए हम पुट कर दें, क्या आएगा, ए प्लस ए प्लस ए इंटू ए डिवाइडेड बाय 100, यानी कि कितना आ गया, 2 ए प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। इसमें ए की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है, 40, तो 40% 2 इंटू 40 प्लस 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 80 प्लस 1600, यानी 40 × 40 1600 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया, ये 96%। आई होप कि ये समझ में आया होगा, ए प्लस बी रूल। और जो क्वेश्चन था उसी का ही सेकंड टाइप था, सेकंड टाइप ये रूल लगा के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा, और आगे का जो वीडियो है हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे आगे। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है प्लेनेट इंस्टीट्यूट, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।